फ्रिक्शन दो टाइप की है, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। तो क्या है स्टैटिक, क्या है काइनेटिक, एग्जांपल से समझते हैं। तो इसको समझने के लिए इमेजिन करो कि आपके पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक को मूव करवाने के लिए कम से कम फोर्स चाहिए 10 न्यूटन। इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए कम से कम फोर्स कितनी चाहिए, 10 न्यूटन, है ना। आपने बेंच देखा होगा, मूव करवाना है, ये तो है नहीं कि एक न्यूटन लगाया मूव करेगा, नहीं, कुछ मिनिमम फोर्स तो चाहिए होती है। तो आपने फोर्स ऑफ फोर्स कितनी अप्लाई की, 1 न्यूटन, और कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है मूव करवाने के लिए, 10 न्यूटन। तो ऐसा लगता है जैसे 10 न्यूटन इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कि जब तक इसको मैं ओवरकम नहीं करूँगा तब तक ये मूव करेगा नहीं। तो अगर कोई ये सोच रहा है, या अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये ब्लॉक है और मैंने इसको मूव करवाने के लिए फोर्स लगाई 1 न्यूटन, तो बोलो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, तो आंसर क्या होगा। काफ़ी लोग सोचेंगे अगर ये चार्ट ना बनाओ 10 न्यूटन, काफ़ी लोग 10 न्यूटन, क्यों, क्योंकि मूव करवाने के लिए फोर्स कितनी रिक्वायरमेंट है, 10 न्यूटन। तो काफ़ी लोग सोचते हैं ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही तो है 10 न्यूटन, राइट। पर ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं 1 न्यूटन यहाँ अप्लाई करता हूँ और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन 10 न्यूटन है, तो न्यूटन का लॉ बोलता है कि ये फोर्स बड़ी और ये छोटी है, तो ये तो सही हो गया, मतलब बॉडी एक तो मूव नहीं कर रही, एक न्यूटन लगाई और बॉडी मेरी तरफ आ गई, क्यों, फ्रिक्शन में मूव करवा दिया। ऐसा कभी होता है, नहीं होता। इसका मतलब 10 न्यूटन तो आंसर कम से कम नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है ना, कमाल की फोर्स है, और वो सेल्फ एडजस्टिंग है, मतलब कि एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं, अपने आप एडजस्ट करती है। कैसे, अगर मैंने फोर्स लगाई इसको मूव करवाने के लिए 10 न्यूटन चाहिए, और मैंने फोर्स 10 न्यूटन से कम लगाई, 1 न्यूटन लगाई, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली इसमें डेवलप हो जाएगी सिर्फ 1 न्यूटन, ताकि 1 1 को कैंसिल और नेट फोर्स 0, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। अगर आपने 2 न्यूटन लगाई तो अपने आप ही अंदर फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगी 2 न्यूटन, बॉडी विल नॉट मूव, क्योंकि 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी बॉडी मूव करेगी, उससे पहले तो मूव करेगी नहीं। तो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग है, 1 लगाते हो तो 1 हो जाती है, 2 लगाते हो फ्रिक्शन 2 हो जाती है, 3 लगाते हो 3 हो जाती है, 5 लगाते हो 5 लगाती है, 10 लगाते हो 10 हो जाती है, ये खेल 10 तक चलेगा। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रही है, कितनी आपने फोर्स अप्लाई की। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इस दौरान बॉडी किस पे रहेगी, एट रेस्ट। इसीलिए इन सारी फ्रिक्शंस को क्या नाम देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी किस पे रहेगी, एट रेस्ट। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। लेकिन अब क्या होगा, मैंने फोर्स कितनी लगा दी, अब 10 से ज़्यादा, 11 20 200 2000, कुछ भी, अब क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल चेंज और बॉडी मूव करेगी, क्योंकि 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स है तो बॉडी मूव करेगी, और जब बॉडी मूव करेगी तो स्टैटिक वर्ड हट गया, कौन सा वर्ड आ गया, काइनेटिक। अब कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, काइनेटिक। क्लियर है यहाँ तक। अब सुनने में ऐसा लगता है कि क्योंकि 10 न्यूटन तक की सिचुएशन आ चुकी है, 10 न्यूटन उसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन थी, उसके बाद अगर मैं जितनी भी फोर्स लगाऊं, चाहे 200 चाहे 2000 न्यूटन चाहे 2 लाख न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 10 10 आनी चाहिए, 10, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 है, तो आंसर 10 आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब बॉडी मोशन में आ जाती है, कायदे से होना 10 10 ही चाहिए था, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है, 9.5 9.4 9.8, कुछ भी, और फिर आप कितनी मर्जी फोर्स लगा दो, बॉडी मोशन में आ जाती है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट चलती है, 9.8 9.8 9.8। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका आंसर देता हूं। पर क्योंकि इस दौरान बॉडी मोशन में है, तो इस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये वैल्यू कम क्यों हो गई, क्योंकि लास्ट वैल्यू 10 थी, बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन चाहिए था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 थी, पर बॉडी जब चल पड़ी तो ये वैल्यू गिर क्यों गई फ्रिक्शन की। रीज़न, जब दो बॉडीज या कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है तो वो बॉन्ड बना के रखती है ग्राउंड के साथ, इंटरलॉकिंग स्ट्रांग होती है। जब बॉडी चलती है तो इंटरलॉकिंग प्रॉपर हो नहीं पाती, क्योंकि बॉडी मोशन में होती है। तो इसलिए जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ी कम लगती है, क्योंकि मोमेंटम गेन कर चुकी होती है, और रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी को हिलाना मुश्किल है। एक बार बॉडी चल पड़ी उसको चलाना आसान है, क्योंकि फ्रिक्शन कम मिलती है। तो खड़ी बॉडी को हिलाना मुश्किल है, क्योंकि इंटरलॉकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है,
इसीलिए स्टैटिक पे ये मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन है बढ़ी आती है, लेकिन एक बार बॉडी जब चल पड़ती है तो ये फ्रिक्शन थोड़ी सी अपनी वैल्यू को रिड्यूस कर लेती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ही रिड्यूस होकर आएगी मैक्सिमम वैल्यू से। क्लियर है? तो इस दौरान बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है। तो ये कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक। और ये लास्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसके बाद तो बॉडी किस में आ गई? मोशन में। तो लास्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आखिरी वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को मैक्सिमम स्टैटिक, लेकिन काफी बुक्स इसको यूज करती हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई डाउट इसमें? फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा अगर क्रॉस कर जाओ, फोर्स अगर लिमिटिंग से ज्यादा लगा दो, तो फिर कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी? काइनेटिक। ये रूल समझ में आ गया? ठीक है यहां तक। अब दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें कैसे पता लगेगा कि बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम फोर्स 10 न्यूटन चाहिए? क्या पता 12 चाहिए, क्या पता 100 चाहिए? मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे की? इन शॉर्ट, मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन है? पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। और दूसरा क्वेश्चन, मुझे कैसे पता लगा कि इसकी वैल्यू थोड़ी कम आ जाती है, और 9.8 वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये वैल्यू जो मैं लिख रहा हूं उसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका होगा, वो क्या तरीका होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक पहले? तो ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यहां तक जो भी एक बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, अगर आप फोर्स उसे कम लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम आएगी। ये सब 5 है तो 5 न्यूटन आएगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5 न्यूटन। अगर आपने 7 लगाई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 7 न्यूटन। तो इस केस में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है? 10 न्यूटन। क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्या हुआ, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई? कम हो जाती है। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, इन फ्रिक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स अप्लाइड। तो जब मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की तो स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन थी, 2 तो 2, 3 तो 3, 5 टू 5, 10 टू 10, भाई लास्ट वैल्यू है। उसके बाद क्या होता है, बॉडी चल पड़ती है, बॉडी चलती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करती है। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी नीचे आ जाती है स्टैटिक से, ये आपकी जो फ्रिक्शन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और काइनेटिक कम है, और काइनेटिक की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो ग्राफ समझ में आ रहा है कि शुरू शुरू में फोर्स अप्लाइड और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर मैक्सिमम स्टैटिक है, उसके बाद फिर काइनेटिक है। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है ग्राफ ड्रॉ करना फ्रिक्शन और फोर्स अप्लाइड का। तो ये रूल क्लियर है यहां तक। अब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि क्या बताता है, रफनेस ऑफ द सरफेस, ये दो टाइप का है। तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दो टाइप का है, पहला कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है यहां तक? ऐसा क्यों, अभी मैं बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखो जब मैं ये 10 न्यूटन की बात करता हूं कि बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, ये 10 कैसे आया, ये किस कैटेगरी की फ्रिक्शन है? स्टैटिक, रादर ये मैक्सिमम स्टैटिक है। और 9.8 कैसे आया, ये कौन सी फ्रिक्शन है? काइनेटिक। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना, उसका फॉर्मूला तो एक ही है, एफ इज इक्वल टू म्यू इन टू आर। अब बॉडी का वेट तो चेंज होने से रहा, अब क्योंकि फ्रिक्शन दो टाइप की है, काइनेटिक भी और स्टैटिक भी, तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी दो टाइप के हैं, एक काइनेटिक और एक स्टैटिक। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, आपको कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं, आपको निकालनी नहीं होती, म्यू एस और म्यू के गिवन होगा। तो आप जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास मान लो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 10 न्यूटन, तो आप ऐसा बोलेंगे कि इस बॉडी को हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 10 न्यूटन। जो मैं बोल रहा था ना 10 न्यूटन कैसे आया, वो इस फॉर्मूले से आता है। तो 10 न्यूटन का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और वो कैसे कैलकुलेट होता है? म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और वो 9.8 कैसे आया, इसको मल्टीप्लाई करके मान लो क्या आया, 9.8। तो वो कौन सी फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक। मैं इसको और समझाता हूं किसी एग्जाम्पल के साथ, ये देखो इसको और समझते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक बॉडी है 10 kg, मैं आपको म्यू एस और म्यू के का मतलब समझाता हूं, इसको यूज कैसे करना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपके पास एक बॉडी है 10 kg, आपने आपको ग्राउंड में फ्रिक्शन गिवन है,
और आपको कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की दोनों वैल्यूज गिवन है, स्टैटिक भी और काइनेटिक भी, दोनों गिवन है, यहाँ तक क्लियर है। आपने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स 1 न्यूटन। पहला क्वेश्चन, क्या आपकी 1 न्यूटन फोर्स सफिशेंट है, क्या ये ब्लॉक को मूव करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी, क्या आप इस डायग्राम को देखते हुए बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तुम्हें क्या पता 1 न्यूटन फोर्स हिलाएगी कि नहीं हिलाएगी, क्या पता फ्रिक्शन बड़ी हो और 1 न्यूटन फोर्स छोटी हो, नहीं हिलेगी, क्या पता फ्रिक्शन कम हो और 1 न्यूटन बड़ी हो तो हिलेगी। तो आप कम से कम डायग्राम देख के तो नहीं बता सकते कि बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, कैसे पता लगेगा, यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कैलकुलेट करें, सबसे पहला स्टेप होता है चेक करने के लिए कि बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, सबसे पहले यह फॉर्मूला लगाया जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन, रादर इसको क्या बोलते हैं, दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो ना, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इस फॉर्मूले में दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एफ ऑफ एस इज म्यू एस इनटू आर, तो इसमें म्यू एस की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.5, नॉर्मल रिएक्शन कितना गिवन है, एम जी, तो यहां से मल्टीप्लाई करके जी को 10 पुट करके आंसर क्या आएगा, 50 न्यूटन। तो इसका मतलब ये होता है कि इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, 50 न्यूटन। तो समझ में आ रहा है कि बॉडी को मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला आपको स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं देता, आपको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन देता है। मैक्सिमम स्टैटिक क्या होती है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है कि अगर आपने फोर्स इससे ज्यादा लगा दी तो बॉडी किस में आ जाएगी, इन मोशन। तो 50 इज द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है यहां तक, तो 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगेगी तो ये मूव करेगा, पर मैंने कितनी लगाई, 1 न्यूटन, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो कैसे कैलकुलेट करना है, चेक करना है, समझ में आ रहा है, तो आपने मैक्सिमम स्टैटिक चेक करनी है, मैक्सिमम स्टैटिक 50 है, आपने कितनी लगाई, 1 न्यूटन, बॉडी मूव नहीं करेगी। जब बॉडी मूव नहीं करेगी तो वो स्टैटिक है, तो कौन सी फ्रिक्शन का केस है, काइनेटिक की स्टैटिक, तो बॉडी में कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन, बोलो आंसर क्या होगा, 50 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि 50 न्यूटन तो ये बताता है कि भाई बॉडी को मूव करवाने के लिए फोर्स 50 न्यूटन चाहिए, आपने कितनी लगाई, 1 न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कितनी डेवलप हो जाएगी, 1 न्यूटन। तो आंसर क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, 1 न्यूटन। ये पॉइंट समझ में आया, काफी लोग 50 मार्क करके आते हैं, गलत हो जाता है। तो इसके अंदर 50 तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है, पर आपकी फोर्स क्या है इसमें, 1 न्यूटन, तो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, सिर्फ 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन मार्क करना है। पॉइंट समझ में आया यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। जैसे इस बार मैंने फोर्स कितनी लगा दी, 100 न्यूटन, और कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक काइनेटिक गिवन है। अब 100 न्यूटन सुनने में लगता है काफ़ी बड़ी वैल्यू है, आप अपने इमोशंस पे ना जाएं, लगता कुछ नहीं होता, फिजिक्स कहती है कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू एस इंटू एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर क्या है, एम जी, तो मास कितना है इसमें, 10 इंटू जी, तो क्योंकि कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है, 10 पता है, जी 10 पता है, आंसर क्या गया, 50 न्यूटन। इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, 50 न्यूटन। आपने कितनी लगाई, 100 न्यूटन, बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, बॉडी स्लाइड करेगी, तो स्टैटिक का कोई काम नहीं है, इसका मतलब कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, काइनेटिक। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड फ्रिक्शन, इसमें कितनी फ्रिक्शन ऐड कर रही है, तो आप स्टैटिक नहीं बोलेंगे, आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, इस बार कौन सा कोफिशियंट यूज करेंगे, काइनेटिक, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू के आपको गिवन है, एमजी आपको पता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी एक्ट करेगी यहां पर, 40 न्यूटन। डिफरेंस समझ में आ रहा है, अगर बॉडी स्लाइड करती है बिल्कुल स्ट्रेट वे एक ही फॉर्मूला है, काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म, तो म्यू के इनटू एमजी, कोई डाउट इसमें, क्लियर है।
पॉइंट क्लियर है? अब मान लो इस क्वेश्चन में बॉडी मूव करती है, वो तो करी है, अगर बॉडी मूव करती है तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले कर रही है? काइनेटिक, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की कितनी? 40। जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? ऑपोजिट। तो अगला क्वेश्चन है कि चलो बॉडी मूव कर रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन 40 न्यूटन है, आपको बताना है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो आपने क्या करना है इसमें, एक बॉडी पे फोर्स है 100 न्यूटन और बॉडी का वे मास 10 kg, तो यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन कितनी है? 40 न्यूटन। आपको इसकी एक्सेलरेशन बतानी है, न्यूटन का लॉ, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि काइनेटिक और स्टैटिक का कैसे यूज है। चलो फिर करते हैं एक बार, जैसे सपोज सपोज करो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 5 है, काइनेटिक की 2 है, हालांकि इतनी वैल्यूज बड़ी होती नहीं है, 0.5 0.2 1 से नीचे नीचे होती हैं, तो बहुत बड़ी है, मैंने कोई भी रैंडम वैल्यूज ले ली। तो काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया, 1 kg का ब्लॉक है, 30° एंगल है, तो क्वेश्चन ये है कि जब इसको यहाँ से रिलीज किया तो फ्रिक्शन की फोर्स बताओ कितनी है। अब ये बताओ कि mg cos, mg sin, कौन सी फोर्स ब्लॉक को नीचे लेके आएगी? 1g sin 30, मानते हो? क्या ये ब्लॉक नीचे आएगा, यस कि नो? जरूरी नहीं है, अगर रफनेस ज्यादा है तो कैसे आएगा? आप एक स्लाइड पे बैठ जाओ, आप बैठे हो, नीचे आ ही नहीं रहे, फ्रिक्शन ही बहुत ज्यादा है यार, नहीं आओगे। और अगर वो स्मूथ है आप नीचे आ सकते हो। तो ये तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी नीचे आएगी आएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो इस केस में ये जो ब्लॉक है ये कितनी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है? 1g sin 30। ठीक है, अब बॉडी को मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है कम से कम, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन से। पहले चेक तो करो कि बॉडी नीचे आएगी कि नहीं आएगी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? Fs = μs × r। क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से होनी है। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? 1g cos 30। तो नॉर्मल रिएक्शन 1g cos 30, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दी, cos 30 पुट किया, सॉल्व किया, आंसर कितना आया? 43.3। तो इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए? 43.3। कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आ गया? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ही कैलकुलेट करके बताएगी। हो गया फैसला? आपके पास नीचे लाने में कितनी फोर्स है? 1g sin 30। 1g sin 30 में sin 30 को पुट करोगे तो आपकी फोर्स कितनी निकल के आई? 5। भाई चाहिए 43.3 और आपके पास कितनी है? सिर्फ 5। तो क्या ये बॉडी नीचे आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, काइनेटिक या स्टैटिक? स्टैटिक। क्वेश्चन आएगा फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बोलो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें क्या मार्क करेंगे, 43.3 की 5? क्योंकि 43.3 मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये वही केस है, अगर मैंने 1 newton फोर्स लगाई तो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है स्टैटिक, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 newton, 2 लगाई 2, 5 लगाई 5, ये खेल 43.3 तक चलता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? काने अगर ये पता लग जाए कि बॉडी स्लाइड कर रही है फिर तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं, फिर तो काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल है म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, खत्म। पर प्रॉब्लम तब है जब बॉडी चलती नहीं है, जब बॉडी चल नहीं पाती तो जितनी आपने फोर्स अप्लाई की वही आपकी फ्रिक्शन हो जाती है। तो जैसे बॉडी को चलाने के लिए मिनिमम फोर्स 43.3 चाहिए, आपने कितनी लगाई? 5 newton, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 5 newton। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें सोचना है फ्रिक्शन को? ठीक है यहां तक? अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको, या इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, ये लो।
ठीक है, 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, 30 डिग्री, ठीक है, तो इसमें म्यू एस 0.5 है, म्यू के 0.4 है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट स्टैटिक से हमेशा कम होता है, तो आपको ये बताना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है इसमें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है एंड एक्सेलरेशन कितनी है। देखो इसमें इसके अंदर ये एक ब्लॉक, तो इसका वेट ड्रॉ करना है कितना 5G, और ये एंगल कितना 30 डिग्री, तो ये कितना 5G कॉस ऑफ 30, और ये कितना 5G साइन ऑफ 30, और नॉर्मल रिएक्शन आर ये रहा, ठीक हो गया। अब फैसला ये करना है कि ये मूव करेगी या नहीं करेगी, और वो फैसला कौन करवाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये फॉर्मूला करवाएगा। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0.5 इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है 5G कॉस ऑफ 30, बताओ इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है 12.75 न्यूटन। ओके, तो बॉडी को मूव करवाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए 12.75 न्यूटन, पर बॉडी मूव करवाने के लिए फोर्स लग कितनी रही है 5G साइन 30, इसको कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है 25 न्यूटन। तो देखो मूव करवाने के लिए चाहिए 12.7 और हमारे पास है कितनी फोर्स 25, तो बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, फैसला हो गया 21.6 आ रहा है, ओके ओके 21.6 न्यूटन, ओके तो मूव करवाने के लिए 21.6 और हमने फोर्स कितनी लगाई इसमें 25, अब भी बॉडी मूव करेगी। वैसे मैं बता दूं उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ यही है कि बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, वो यूज़ कहीं नहीं होता, बस वो चेक करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि अगर वो मूव नहीं करेगी तो जो फोर्स अप्लाई की वही फ्रिक्शन हो जाती है, मूव करेगी तो काइनेटिक है, उसमें यूज़ कहीं नहीं होना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो बॉडी मूव करेगी, अगर बॉडी मूव करेगी तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, स्टैटिक की काइनेटिक, काइनेटिक मूव कर रही है तो काइनेटिक, तो यहाँ पर बॉडी के ऊपर कौन सी फ्रिक्शन ऐड करेगी काइनेटिक, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर है यहाँ तक। तो जब ये बॉडी नीचे आएगी तो उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है आपने, तो नीचे की फोर्स क्या है 5G साइन 30, 5G साइन ऑफ 30, अपोजिंग फोर्स कितनी है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या ये पॉइंट क्लियर है, आपको ये पता लग गया कि कौन सी फ्रिक्शन है काइनेटिक, तो आप यहाँ पर कौन सी फ्रिक्शन लगाओगे काइनेटिक, क्लियर है यहाँ तक, ये स्टेप क्लियर है, यहाँ पर स्टैटिक नहीं, यहाँ पर क्या आएगी काइनेटिक, क्लियर है पीछे।
तो नीचे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर 5g sin 30 माइनस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन मास, पता है आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो 5g sin 30 काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशियन कितना है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 5g cos 30 इज इक्वल टू 5 times एक्सेलरेशन, तो सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। आपको मेथड समझ में आ रहा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें, फैसला यही करना था कौन सी फ्रिक्शन है, फैसला हो गया काइनेटिक है, उसके बाद एक्सेलरेशन निकालने के लिए नीचे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और काइनेटिक निकालने में करना क्या है म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, ठीक है, क्लियर है, जो भी है मेथड समझ में आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है सेम, मिलता जुलता क्वेश्चन ही है ये कि इसमें एक्सेलरेशन निकालनी है। जब भी मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी यही प्रॉब्लम थी, सेम विद डिफरेंट वैल्यूज, कि यहाँ पर स्टैटिक है काइनेटिक है और ये फोर्स बॉडी को नीचे लेके आ रही है, ये बॉडी हिलेगी या नहीं हिलेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो, 433 आ रही है और नीचे की फोर्स कितनी आ रही है 500 न्यूटन, तो नीचे की फोर्स बड़ी है स्टैटिक से, इसका मतलब बॉडी मूव करेगी, जब बॉडी मूव करेगी तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, काइनेटिक। सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया था, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद जैसे जो क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, ट्रॉली के आगे एक मास है और ट्रॉली आगे एक्सेलरेट करती जा रही है और ये मास कोई फेविकोल से चिपका नहीं हुआ कि नीचे नहीं गिर रहा, बस रखा हुआ है, ट्रॉली इतनी तेज मूव कर रही है कि ये मास नीचे नहीं गिर पा रहा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे वो खेलते हैं गेम स्कूलों में कि देख जादू दिखाता हूँ, क्या जादू है ये देख, ये रखा और देखे नीचे नहीं गिरा, कॉपी रखते हैं कॉपी को ऐसे करते हैं देखो कॉपी नीचे नहीं गिरती, होता ही ऐसे करते नहीं है, हर कोई करता है, मतलब जितनी तेज मूव करवाएंगे उतना ये नीचे गिरेगा नहीं, ऐसा होता है, करके देख लो कॉपी पे करके देख लो, कॉपी नीचे नहीं गिरेगी, ठीक है, तो ये स्लो है थोड़ा सा, बहुत तेज़ करना पड़ेगा कॉपी को, राइट, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये वही केस है कि आपका ये ट्रॉली है, ट्रॉली इतनी तेज़ एक्सेलरेट कर रही है कि नीचे गिर नहीं पा रहा। अब यार सोचने वाली बात है, नीचे गिर नहीं पा रहा, इसका वेट यार कुछ तो करता होगा, मतलब अगर मैं ट्रॉली के आगे लटक जाऊँ मैं नीचे नहीं गिरूंगा,
हाँ हो सकता है मैं नीचे ना गिरूँ अगर ट्रॉली बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब क्या प्रॉब्लम है, ये नीचे क्यों नहीं गिर पा रहा और कब नीचे गिरेगा? रूल नंबर वन, जब ये ट्रॉली आगे मूव करेगी विद सम एक्सेलरेशन तो ब्लॉक नीचे गिरने की कोशिश तो करेगा। कौन इससे नीचे गिरेगा? इसका वेट, इसका वेट कितना है? 10 g। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसका वेट इसे नीचे गिरेगा। रूल नंबर वन, जब ये ट्रॉली आगे जाएगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए तो इस ब्लॉक पे क्या लगेगी? सूडो फोर्स 10 × a बैकवर्ड डायरेक्शन। ये भी क्लियर है? कोई डाउट इसमें? फिजिक्स को छोड़ो, कॉमन सेंस की बात करते हैं। ये ब्लॉक नीचे गिर क्यों नहीं रहा? क्यों? कोई बोला दूसरे बैच में इसकी स्पीड बहुत तेज है ट्रॉली की, इसलिए। कितने लोग एग्री करते हैं? एक, एक्सेलरेशन है, ओके, एक। और दूसरा फ्रिक्शन। देखो किसी ने कहा, बिल्कुल सही कहा उसने, कि आप बहुत तेज एक्सेलरेट करवा रहे हो जिस वजह से ये ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा। तो मैंने उसे कहा ऐसा करते हैं कि मैं बहुत तेज एक्सेलरेट करवाता हूँ, बिल्कुल सही, सूडो फोर्स बहुत तेज लगेगी, तो अगर सूडो फोर्स इस ब्लॉक पे बहुत ज़्यादा लगेगी तो बॉडी नीचे नहीं गिरेगी। वो कहता नीचे नहीं गिरेगी, तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं दीवार पे यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, जोर जोर की फोर्स लगाता हूँ, तो अब मैं दीवार पे चढ़ जाऊँगा, नीचे नहीं गिरूँगा। ऐसे कैसे यार, अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो मैं नीचे गिरूंगा, क्यों नीचे गिरूंगा? तो फोर्स अगर बहुत ज़्यादा दीवार पर लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल में, गिरना कैसे है मैंने? वर्टिकल में। तो तुम बात किसकी कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल की। और मोशन कैसे होने वाली है? वर्टिकल। तो इट मींस कि यहां पर अगर मैं ये बोलता हूं, अगर मैं ये बोलता हूं कि बहुत ज्यादा सूडो फोर्स एक्ट कर रही है जिस वजह से मैं नीचे नहीं गिर रहा, तो ये शायद इसका प्राइमरी रीजन रहेगा नहीं, सेकेंडरी है, इनडायरेक्टली है। बट पहली चीज क्या माइंड में आनी चाहिए? फ्रिक्शन। भाई तुम एक छिपकली को दीवार पर चढ़ा दो और वहाँ ऑयल लगा दो, फ्रिक्शन खत्म कर दो, तुम क्या लगा छिपकली चलेगी? क्या चलेगी यार, फ्रिक्शन ही नहीं, नीचे गिर जाएगी अपने वेट से। तो बेसिकली क्या है? फ्रिक्शन है दीवार में जो उसको रोकेगी, क्योंकि वेट इसको नीचे गिरेगा और जैसी ब्लॉक नीचे गिरेगा फ्रिक्शन जो है इसको बचा सकती है। तो अगर फ्रिक्शन बड़ी हुई या इक्वल टू वेट हुई तो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या प्राइमरी रीजन है ब्लॉक के नीचे ना गिरने का? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तुम फ्रिक्शन हटा दो, है ही नहीं मान लो, तो ये जीरो हो जाएगी। तो कौन क्या फोर्स है? 10 g। कौन बचाएगा? है ही नहीं कोई बचाने वाला फोर्स, ऊपर की फोर्स तो निल हो गई, तो बॉडी ने नीचे गिरना ही गिरना है, जितनी मर्जी तेज बॉडी को मूव करवा लो ट्रॉली को तब भी नीचे गिरेगी। तो यानी कि बचाने वाली फोर्स कौन है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला रूल क्लियर है? तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके वेट 10 g से बड़ी हो जाए या इक्वल टू भी हो जाए तो ब्लॉक नीचे नहीं गए। बड़ी हो जाए अच्छी बात है, कम से कम यार इक्वल टू तो हो जाए ताकि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। पहली क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है? इसका वेट क्या है? 10 g। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 10 g। नहीं है भैया, ब्लॉक तो हवा में है, जमीन को तो टच ही नहीं कर रहा, तो जमीन को 10 g लगाएगा तो जमीन नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगी, जमीन को टच कहाँ कर रहा है, तो 10 g नहीं है। इस बार इसके लिए ग्राउंड ये नहीं है, ब्लॉक का ग्राउंड ये है, ये ग्राउंड है ब्लॉक का, देखो इसके साथ कॉन्टैक्ट में है। तो ब्लॉक ने सूडो फोर्स लगाई ट्रॉली पे, कितनी? 10 a। तो ट्रॉली ने लगाया नॉर्मल रिएक्शन, कितना? 10 a। नॉर्मल रिएक्शन की कोई गारंटी नहीं किसी क्वेश्चन में, तो चेंज होती रहेगी, आप रट्टा नहीं मार सकते, नॉर्मल रिएक्शन mg होता है। इस केस में जब ये ट्रॉली आगे मूव कर रही है तो ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स लगेगी पीछे, और जब ये इसके सरफेस पे फोर्स लगाएगा 10 a, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। इस बार सरफेस ऐसी है ही नहीं, इस बार सरफेस ऐसी है, तो इसके नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 10 a। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? तो इसीलिए जब नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो ठीक बोल रहे थे कई लोग, अगर आप बहुत तेज़ एक्सेलरेट करवाओगे तो बॉडी नीचे गिरेगी नहीं, क्योंकि जब आप तेज़ एक्सेलरेट करवाओगे तो सूडो फोर्स ज़्यादा होगी, सूडो फोर्स ज़्यादा होगी नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तेज़ मूव करवाने से MA बढ़ जाएगा, A बढ़ने से
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन को एम में पुट किया, एम की वैल्यू को पुट किया, आपके पास ये कंडीशन आ गई। मेरे को एक बात बताओ, मेरे मार्क्स मैथ्स में, मैथ के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं तो मेरे मिनिमम मार्क्स कितने हैं? हाँ ठीक है, तो अगर ये ए ग्रेटर देन इक्वल टू इसके इक्वल है तो ए की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ग्रेटर हटा देंगे, क्या लगेगा? तो मिनिमम एक्सेलरेशन आ गई। वो यही तो कह रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन? आंसर, पॉइंट समझ में आया? मिनिमम एक्सेलरेशन क्यों लगाई इसमें? कोई डाउट इसमें? लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे लगाया? अब अगला क्वेश्चन, मेरे को नए क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि ये कुछ लगेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको एक और प्रॉब्लम देता हूँ टेस्ट के अंदर जो आपने देख नहीं रखी, और ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ अलग प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम, आप तो नहीं कर पाओगे यार सॉल्व, आपको क्या पता ऐसे ही कुछ ऐसा भी सोचना है। तो इसके लिए क्या करनी पड़ती है? हाँ, जब तक 25-30 क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तब तक अंदर से सूडो फोर्स बाहर नहीं आएगी, निकल के अंदर ही रहेगी, दबी रहेगी, ठीक है? तो ये फोर्सेस कौन कौन सी कब एक्ट करती हैं, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद ही फीलिंग आती है। जब तक मैं एक आध क्वेश्चन करूंगा बस उसी में आएगी, अगर ये क्वेश्चन आ गया फिर तो आ जाएगी, नया आ गया फिर नहीं आएगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जरूरी है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखो, ये ब्लॉक की टेंडेंसी कहां गिरने की है? नीचे। तो ये ट्रॉली फ्रिक्शन कहां लगाएगी? ऊपर। गिरना नीचे तो फ्रिक्शन ऊपर। हाँ, वो अलग बात है, बदले में ट्रॉली पे भी फोर्स लगाएगी फ्रिक्शन। ट्रॉली कहती है लगा लो, मैं तो पहली जमीन पे हूँ, मेरे को क्या गिरोगे? तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रॉली को। क्वेश्चन ब्लॉक पे है तो ब्लॉक की फ्रिक्शन हमने यूज कर ली। डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब जो अगली प्रॉब्लम है इसमें, वो चेन वाली प्रॉब्लम है। ये बड़ी फेमस प्रॉब्लम है चेन वाली। देखो, चेन वाली प्रॉब्लम कैलकुलेट करने से पहले, चलो पहले ये है क्या प्रॉब्लम ये समझते हैं। सपोज करो ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर किसी ने चेन को लटकाना है। उसे ये कहा गया कि तू चेन लटका, ऐसे लटकाइयो कि चेन नीचे ना गिर जाए, कुछ टेबल पे रखियो और बस तू तू देख यार चेन नीचे गिरने नहीं चाहिए, खत्म कहानी। वो जाता है पूरी की पूरी चेन को टेबल पे रख देता है, कहता है देखो नीचे नहीं गिरी। मैंने कहा नहीं यार ऐसे मत कर, थोड़ा बहुत तो लटका नीचे यार, ताकि कुछ बताएं तो सही बच्चे को कि भाई चेन नीचे नहीं गिरी। कहते कोई बात नहीं, ये लो ये चेन ही चेन है, बस ये ले लटका दी। हमें यार ये क्या है यार, दो दो चेन के तू लिंक लगा देगा नीचे और बाकी पूरी चेन टेबल में, नीचे कैसे गिरेगी? क्या कोई बात नहीं, थोड़ा और कर देते हैं। मैं कहा नहीं यार सही नहीं है, अब तू ऐसा कर, तू इसकी तू मैक्सिमम लेंथ चेन के नीचे लटका, तू इतनी चेन की लेंथ नीचे लटका कि अगर किसी ने उससे ज्यादा लेंथ कर दी तो पूरी की पूरी चेन नीचे गिर जाएगी। तो इसीलिए उसने क्या पूछा? फाइंड वाई मैक्स। इसके वाई मैक्स क्यों यूज किया समझ में आया? ये वाई भी यूज होता था कि अगर वाई यूज करोगे फिर मनमर्जी है, फिर वो 0.1 सेंटीमीटर नीचे लटका देगा, फिर कहोगे देखो चेन नीचे नहीं गिरी, तो इसलिए वाई मैक्स। तो ये बस मैक्सिमम लेंथ है, इससे ज्यादा अगर करोगे तो चेन नीचे गिरेगी गिरेगी। यू हैव टू कैलकुलेट वाई मैक्स। क्लियर है यहां तक? अगला प्रॉब्लम, अगर टेबल पे फ्रिक्शन नहीं है, मान लो कोई फ्रिक्शन नहीं है, आप चेन को इतना सा भी लटका दोगे ना, इतना सा भी, पूरी चेन नीचे गिरेगी। बचाने वाला कौन है? कोई भी नहीं। कौन गिरेगा इसको? लटकती हुई चेन का वेट गिरेगा, हैंगिंग पार्ट का वेट इसको नीचे गिरेगा। कौन बचाएगा कि चेन नीचे ना गिरे? कौन बचाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो टेबल के ऊपर होगी। हाँ, वो स्मूथ है कि नहीं, उसके लिए म्यू यूज करेंगे ना, म्यू रफनेस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू यही बताता है कि स्मूथ है या रफ है। तो वो दोनों सर्फेस का म्यू होता है वो बेसिकली। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसे वाई मैक्स क्यों यूज किया? अब चेन वाली प्रॉब्लम के अंदर एक और चीज आपने याद रखनी है, क्या? कि जो मास होता है ना बॉडी का, देखो आज तक हम ऐसे यूज करते आए कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है, ये कार है, ये कार का मास है, ठीक है, तो बस एम लगाते हैं काम खत्म। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जो मास है, जैसे सपोज करो आपके पास एक थिन रॉड है, पतली रॉड है, थिन रॉड है,
या फिर आपके पास एक चेन है, चेन है, चेन है या थिन रॉड है, ठीक। तो मास तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडीज के ऊपर। पहला लेंथ वाइज, लेंथ वाइज। दूसरा एरिया वाइज। तीसरा वॉल्यूम वाइज। लेंथ वाइज, एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज। एग्जांपल देता हूँ, जैसे थिन रॉड है, पतली रॉड है, इसका मास m है और m यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, हर जगह m ही m है और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। तो लेंथ, पूरी लेंथ पे छोटा 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 मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। चेन में भी सेम रूल होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई डिस्क है, कोई थिन डिस्क है, डिस्क का मास उसके सरफेस एरिया पे बिछा होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया, सरफेस एरिया। वॉल्यूम वाइज, अगर आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है, तो सॉलिड स्फेयर पे जो मास है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ओवर इट्स वॉल्यूम, इनसाइड इट्स वॉल्यूम, अंदर भी मास है। तो ये एग्जांपल तो हम बाद में करेंगे, अगले चैप्टर में आएंगे, आज रॉड या चेन की बात करते हैं। रॉड या चेन में मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये आपके पास एक रॉड है, एक रॉड है जिसका जिसका मास आपको गिवन है 10 kg, जिसकी लेंथ गिवन है आपको 10 meter, तो ये मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ। तो क्वेश्चन ये है कि ये 4 meter है, 4 meter है, तो यहाँ पर 4 meter लेंथ का मास क्या होगा? तो क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर 10 meter लेंथ है तो 10 kg मास है, 1 meter लेंथ है तो 10/10 kg मास है, और अगर 4 meter लेंथ है तो 10/10 × 4, यानी कि 4 kg मास है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो 4 kg मास है। तो जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप इस तरीके से किसी भी लेंथ का मास निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? पर कभी कभी ऐसा होता नहीं है, 2-3 chapter के बाद देखेंगे वो क्या कहेगा, यहाँ पर ज़्यादा मास है, यहाँ पर कम मास है, डेंसिटी चेंज कर देगा, फिर कहेगा मास निकाल लो, थोड़ा लेवल दूसरा है, आएगा भी, पहले नॉर्मल करते हैं फिर आगे जाके अपना लेवल बढ़ जाएगा। पर पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपने कैसे सोचना है इसे, ठीक है? अब चेन के अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रूल नंबर 1, चेन का इतना पोर्शन हवा में लटक रहा है, हैंगिंग पोर्शन, इतना टेबल पे है। चेन की लेंथ अगर एल है और हवा में लटकता हुआ पोर्शन वाई मैक्स है, तो टेबल के ऊपर पोर्शन कितना है, एल माइनस वाई मैक्स है। पहला पॉइंट क्लियर है? कौन सी फोर्स चेन को नीचे लेके आएगी, वेट किसका, कितना, हैंगिंग, हैंगिंग पोर्शन का वेट चेन को नीचे गिर देगा, कौन बचाएगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, टेबल पे, तो टेबल पे फ्रिक्शन एल माइनस वाई मैक्स पोर्शन पे लगेगी। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? तो एक काम करते हैं, इसका वेट निकालने पहले, इसका वेट निकालने के लिए इसका मास निकालें। अगर टोटल लेंथ चेन की एल है और मास क्या है, एम, तो अगर एल लेंथ है मास एम है, 1 है तो एम बाई एल है, और अगर ये रहा एल है तो एम है, 1 है एम बाई एल है, तो अगर इसका लेंथ वाई मैक्स है तो मास कितना है, एम बाई एल इंटू वाई मैक्स है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मैंने इतने पोर्शन का क्या निकाल दिया, मास निकाल दिया। अच्छा, इसका मास बोलो क्या होगा, फिर से एक बार, अगर पूरी चेन का की लेंथ एल है तो मास एम है, 1 है तो m बाई एल है, तो अगर लेंथ कितनी है, l माइनस वाई मैक्स, तो मास कितने हैं, m बाई एल इंटू एल माइनस वाई मैक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो हैंगिंग पोर्शन का मास आ गया, टेबल पे पड़ी हुई चेन का भी मास आ गया। अब इक्वेशन क्या बनेगी, अगर आप चाहते हैं चेन रेस्ट पे रहे, तो है वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन, लटकती हुई चेन का वेट कम होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए फ्रिक्शन, या उल्टा ही बोल सकते हो, टेबल की फ्रिक्शन अगर चेन की लटकती हुई वेट के इक्वल हो या बड़ा हो, फ्रिक्शन बड़ी भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, तो चेन नीचे नहीं गिरेगी। तो ये कंडीशन क्लियर है यहाँ तक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बड़ा होना है इसके वेट से। वेट हैंगिंग पोर्शन का कितना है, हैंगिंग पोर्शन का ये मास है, इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया इसका वेट, वेट आ गया हैंगिंग पोर्शन का। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, इस पोर्शन का नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगा, इस पोर्शन का, तो इस पोर्शन का पहले वेट बोलो क्या है, एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई मैक्स, इसका मास है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
जी से, तो क्या आएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो इस टेबल पे पड़ी हुई पोर्शन का नॉर्मल रिएक्शन आ गया, इसको म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इस केस में क्या करेंगे, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से जी एम बाई एल से एम बाई एल कैंसिल, और इसके अंदर क्योंकि वाई मैक्स निकालना है, वाई मैक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे मार्क्स पेपर में 100 से कम है या इक्वल टू भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100 हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड लगा दूँ तो यहाँ पर क्या जाएगा इक्वल, सही है, क्योंकि मैंने वाई मैक्सिमम लगा रखा है तो लेस देन इक्वल टू में लेस देन हट जाएगा और क्या जाएगा इक्वल। तो इक्वल टू का मतलब मैक्सिमम के साथ काम हो रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ से जी एम बाई एल सब कैंसिल, ठीक, तो यहाँ से इस इक्वेशन को ओपन करें, वाई मैक्स वाली टर्म एक तरफ, वाई मैक्स की वैल्यू आएगी टर्म, इस तरीके से आंसर आएगा। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। इसमें लॉजिक देखो क्या लगेगा, पहले चेन का कुछ पार्ट हैंग कर रहा है, इसका मास निकाल लोगे, मास क्लियर है, अगर लेंथ एल है तो मास एम है, वन है तो एम बाई एल है, वाई मैक्स लेंथ है तो एम बाई एल इंटू वाई मैक्स है, इसका वेट क्या होगा, जी से मल्टीप्लाई करके वेट आ गया, कौन घेरेगा चेन को, इसका वेट कैलकुलेट हो जाएगा, कौन बचाएगा टेबल पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इस चेन का वेट, इसका मास क्या है, एल है तो एम, वन है तो एम बाई एल, इतनी लेंथ है तो ये मास आ गया, मास को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन यही होगा, तो एफ की जगह म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो वेट ऑफ द चेन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू वेट होना चाहिए, आंसर कैलकुलेशन है, ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक, ठीक। नेक्स्ट इसमें इसको एक बार देखना, ये जो मैंने डायग्राम बना रखे हैं, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में रूल नंबर वन, आपके पास तीन ब्लॉक्स हैं, आपके पास इसमें तीन ब्लॉक्स हैं, तो 10 kg, 5 kg, 2 kg, और अगर मैं ये बोलूं, और कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन हर सरफेस का 0.5 है, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, तो आप बोलेंगे म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितना है, क्योंकि 2 kg के लिए ये सरफेस है, तो 2 kg 2g फोर्स लगाएगा सरफेस पे, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा 2g, क्लियर है, म्यू टाइम्स 2g। अगर मैं फ्रिक्शन यहां बोलूं, यहां कितनी है, यहां पे, अब इस सरफेस के लिए जो वेट लग रहा है वो 5 kg नहीं लग रहा, 5 + 2 = 7 लग रहा है, तो इस पॉइंट पर 7g वेट है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना है 7g, समझ में आ रहा है, और इस पॉइंट के लिए यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है 10 + 5 + 2g, क्योंकि यहां पर सरफेस ग्राउंड पे कितना वेट लग रहा है, सभी का वेट लग रहा है, तो 10 + 5 + 2g फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे आएगी, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है तो कैसे नॉर्मल रिएक्शन निकलेंगे, क्लियर है, ठीक है। इसके बेस पे एक ये क्वेश्चन है, देखो सपोज आपके पास तीन ब्लॉक्स हैं, आपको दिख रहा होगा 3 kg, 4 kg और 8 kg, जो 3 kg है ना, ये तो मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसको रॉड के साथ बिल्कुल फिक्स किया हुआ है, इसका काम सिर्फ दूसरों को तंग करने का है क्योंकि इसके साथ चिपका रहेगा और क्या लगाएगा
फ्रिक्शन, ताकि 4 kg भी हिले ना। इसने खुद तो मूव करना नहीं, पर ये रोक तो सकता है। मूव कौन से दो ब्लॉक्स कर रहे हैं, 4 kg और 8 kg। दो ब्लॉक्स मूव करेंगे, 4 kg और 8 kg। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि 8 kg को मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, एफ। तो 8 kg कहाँ आएगा? लेफ्ट। तो 4 kg कहाँ जाएगा? राइट, क्योंकि पुली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? टेंशन टी एंड टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आपको ये बताना है कि एफ़ की वैल्यू मैं कितनी लगाऊँ इसमें, तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम क्यों वर्ड यार, कि मिनिमम मैक्सिमम बहुत यूज़ करता है। अब मिनिमम का चक्कर क्या है, क्योंकि कुछ मतलब तो होते ही हैं मिनिमम के। मिनिमम का मतलब है, किसी ने मुझे कहा कि ये पेन है, मिनिमम फोर्स लगाओ कि ये मूव करे। मैंने कहा ये ले मिनिमम हो गई, हिल गया ना तो होगी बस, तो ये मिनिमम फोर्स है। अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये पेन एक्सेलरेट करेगा। तो जब भी मिनिमम फोर्स आएगी कि बॉडी को मूव करवाना है, या ऐसी टर्म यूज़ करेगा कि बॉडी इज़ जस्ट एबल टू मूव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जस्ट एबल टू मूव या मिनिमम फोर्स, तो अंडरस्टूड है वो चाहता ही नहीं है कि आप एक्सेलरेट करवाओ, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगाने पे तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट। तो मिनिमम फोर्स का मतलब आपने हिला भी दिया ना अगर हल्का सा, तो होगी फोर्स। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या ली जाती है, 0। क्लियर है? मूव करवाना है हल्का सा, पर एक्सेलरेट नहीं करवाना। क्लियर है यहाँ तक? फिर से नहीं करेगा। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने 10 N की फोर्स लगाई और बैकवर्ड फोर्स है 2 N मान लो फ्रिक्शन की, क्या ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। एक्सेलरेट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। कैसे? 10 - 2 = मास इनटू, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल सही। दूसरा केस सपोज करो मैं फिर से बॉडी लेता हूँ, 10 N की फोर्स लगाता हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 N है, बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी? हाँ या ना? ओके, नहीं करेगी। कितने लोग कहते हैं शायद कर जाए? नहीं, मन नहीं मान रहा, नहीं करेगी। ओके अच्छा, इस पर नेट फोर्स क्या है? 0। नेट फोर्स 0। नेट फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन 0 के दो मतलब, या तो वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी 0, या तो मूव नहीं करेगी या करेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप ये नहीं कह सकते कि दो फोर्सेस बराबर हैं, बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी कर सकती है मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि पेन है, इधर फोर्स लगाई 10, फ्रिक्शन है 10, तो आप ये नहीं कह सकते मूव नहीं करेगी। ये हल्की सी हिल जाएगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, ये केस भी पॉसिबल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब दोनों नेट फोर्स 0 हो जाए तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या मूव ही ना करे, दोनों में से कोई एक केस होगा। अब वो क्या केस होगा, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन है, मैं कह नहीं सकता, क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। ऐसे याद नहीं कर सकते कि यार करेगी या नहीं करेगी, पर आपका एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, बिल्कुल सही है, पर बॉडी मूव कर सकती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी सही है। हाँ, फोर्स वो पहले से मूव कर रही है, ओके मान गया मैं। अगर मैंने 10 और 10 लगा दी, चलो पहले से मूव नहीं, रेस्ट पे बॉडी है, 10 और 10 लग गई, तब भी अपनी जगह से इसकी प्लेसमेंट हिल सकती है, वो हिल सकती है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। मिनिमम फोर्स काउंट होगी मतलब? नहीं, नेट फोर्स 0 में मूव कर सकती है, मैं तो हल्का सा हिल जाएगी, लिमिटिंग केस है, मतलब कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, कुछ भी केस ले सकते हैं। तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें जैसे सपोज करो, ऐसे कर लो कि सपोज करो ये 10 N फोर्स है, बोलो मैं कितनी फोर्स लगाऊं, कितनी फोर्स लगाऊं, बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव, बस हिल जाए, या बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप क्या करोगे? कांस्टेंट वेलोसिटी F - 10 = मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन तो मैंने मना किया ना, मैंने कहा बॉडी को मूव करवाओ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या लोगे? 0। तो ऑटोमेटिकली एफ फिर से क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ना सही, ऐसे सही। एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट तो मूव करवा सकता हूँ ना,
तो आपसे यही पूछ रहा हूँ कि फोर्स बताओ जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो बोला ही नहीं वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी तो होगी, कांस्टेंट होगी, मूव करेगी, वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट होगी, एक्सेलेरेशन नहीं होगी। आप ये डिस्कस कर रहे हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल में चले गए आप, स्लो मोशन में, बॉडी रेस्ट पे थी, 10-10 लगी, हल्की सी मूव करी, तो जीरो से जब वी हुई तब एक्सेलेरेशन है, नहीं इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं जाएंगे, नेट फोर्स जीरो पे तो दो मतलब, इतने इसी लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया आपका पॉइंट, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो जब नेट फोर्स जीरो है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि नेट फोर्स जीरो पे बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, आप कहोगे कुछ भी हो सकता है, वो कर भी सकती है और वो नहीं भी कर सकती। ठीक, फैसला क्वेश्चन देख के ही होगा, आप अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला ही बता देता है कि करना क्या है। जैसे इस केस में मुझे मिनिमम फोर्स निकालनी है इसमें, अब मिनिमम फोर्स का मतलब हिलाना ही तो है, एक्सेलेरेशन जीरो, तो इसका मतलब यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन जीरो लेंगे, तो ये 8 kg लेफ्ट आएगा, 4 kg राइट जाएगा, है ना, ऐसे मूवमेंट होगी, पर हाँ इसमें एक्सेलेरेशन नहीं होगी क्योंकि फोर्स इसमें बिल्कुल मिनिमम है। क्लियर है यहाँ तक? अब रूल नंबर 1, जब 4 kg का ब्लॉक राइट जाएगा तो 3 kg इसके ऊपर क्या लगाएगा? फ्रिक्शन, और नीचे से 8 kg भी क्या लगाएगा? फ्रिक्शन, बोथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैं रिपीट करता हूं, जब 4 kg राइट जाएगा तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेंगी? टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट। तो फ्रिक्शन 4 kg पे कौन लगाएगा? एक तो ऊपर का ब्लॉक लगाएगा और एक नीचे का लगाएगा, तो ऊपर के ब्लॉक ने कितनी लगाई? F3। नीचे के ब्लॉक ने कितनी लगाई? F2। पहला पॉइंट क्लियर है। 8 kg कहां जाएगा? लेफ्ट जाएगा, तो इस पे फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी? राइट एक्ट करेगी। कौन लगाएगा? 4 kg भी लगाएगा और ग्राउंड भी लगाएगा। 4 kg कहां लगाएगा? राइट लगाएगा, क्योंकि 8 kg लेफ्ट जा रहा है, तो यहां पर फोर्स राइट और यहां पर भी राइट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आ रही है, राइट, और यहां पर फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, तो अगर ये F2 है तो ये भी F2 है, अगर ये F3 है तो ये भी F3 है, क्योंकि एक फ्रिक्शन आगे तो एक फ्रिक्शन पीछे। क्या ये डायग्राम क्लियर है? ठीक है, तो इसमें बस हो गया केस को, 8 kg को अलग बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम, लेफ्ट की तरफ फोर्स क्या है? F, राइट में फोर्स क्या है? F2 भी है, F1 भी है, T भी है, F2 भी है, T भी है, F1 भी है, कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कहाँ मूव कर रही है? टूवर्ड्स लेफ्ट, और ऐसी 4 kg, 4 kg की राइट की तरफ फोर्स क्या है? T, लेफ्ट की तरफ फोर्स क्या है? F2 और F3। क्लियर है? वैल्यू देख लें, F3 की वैल्यू क्या होगी? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 3G, तो म्यू टाइम्स 3G, नॉर्मल रिएक्शन निकालना सिखाया ना, तो यहां पर क्या है? 3G, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 4+3 7G, देखो नीचे क्या है? 4+3G, तो समझ में आ रहा है फ्रिक्शन की वैल्यूज कैसे पुट कर रहे हैं इसमें? ठीक है यहां तक? ऐसी 8 kg के सबसे नीचे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, या नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 8+4+3, और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 4+3G, तो दोनों केस क्लियर है। तो क्योंकि बॉडी लेफ्ट आ रही है, एक्सेलेरेशन तो है नहीं, तो लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्सेस, तो लेफ्ट की फोर्स क्या है? F, राइट की फोर्स क्या है? F2, T और F1, ये देखो पहली इक्वेशन, और ये ब्लॉक भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, नो एक्सेलेरेशन, तो राइट की फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट की फोर्स, राइट की फोर्स क्या है? T, लेफ्ट की फोर्स क्या है? F3 और F2, तो दो इक्वेशंस आ गई, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके F आएगा, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बात पक्की है, मैं तो सिर्फ ये सिखाना था कि फ्रिक्शन के डायरेक्शंस कैसे हैं, क्वेश्चन नहीं आएगा उसके टेंशन ना लो। पॉइंट लेकिन समझ में आ रहा है कि कैसे नॉर्मल रिएक्शन से हम डायरेक्शन देख रहे हैं फ्रिक्शन की, इतनी सी बात है, डायग्राम ही मेन है इसमें, कैलकुलेशन कोई चक्कर नहीं, कोई डाउट इसमें?